अक्षय कुमार की किस्मत का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रहा है। 2021 तक हिट मशीन के नाम से जाने जाने वाले अक्षय अब फ्लॉप पर फ्लॉप दिए जा रहे हैं। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु और हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। हाल तो इतने खराब हैं कि उन्हें अपनी ही हिट फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल से भी रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह कार्तिक आर्यन को वो फिल्म मिल गई। अब जब भूल भुलैया 2 हिट हो गई है तो बहुत जल्द कार्तिक आर्यन अब हमें भूल भुलैया 3 में भी नजर आएंगे। अगर खबरों की माने तो सबीना खान और संजय लीला भंसाली ने भी अक्षय कुमार का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब आपको 2012 का वो फेमस डायलॉग तो याद आ गया होगा, डोंट एंग्री मी। जी हाँ, राउडी राठौर द 2012 रिमेक ऑफ SS राजमौलीज विक्रमाकुडु का सीक्वल प्लान किया जा रहा है और खबर ये आ रही है कि अक्षय को रिप्लेस करके सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट किया जा रहा है। अब इस फिल्म का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब अक्षय की सारी उम्मीदें हीरा फेरी के सीक्वल पर टिकी हैं। अक्षय इस वक्त लंदन में टाइगर श्रॉफ के साथ बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग में बिजी हैं। बड़े मियां छोटे मियां का बजट कुछ 300 करोड़ के आसपास का है एंड दैट इज मेकिंग इट द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर ऑफ बॉलीवुड। अली अब्बास जफर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और अक्षय और टाइगर के अलावा इस फिल्म में अलाया एफ और मानुषी छिल्लर भी हैं। वैसे क्या आप बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटेड हैं? क्या आप इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे? आप हमें अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बॉम्बे ब्लूज़।